There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। आज सुबह सुबह ही व्लॉग का आगाज़ हो रहा है। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में आप लोगों से अपना वो सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ, जिसकी वजह से मैं सारा दिन एक्टिव रहती हूँ, बच्चों के साथ घर हर चीज़ मैनेज करती हूँ, स्ट्रेस फ्री किस तरह रहती हूँ, किस तरह हर चीज़ मैनेज करती हूँ। आज बहुत टॉप सीक्रेट जो है ना, अपना आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बस उसके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर न्यू आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और यार, एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में क्या जाता है, आप लोगों का प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो। मेरी बड़ी हिम्मत बन जाती है कि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और लाजमी कमेंट्स किया करें। मैं आप लोगों के कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, मुझे मोटिवेट किया करें। और शायद किसी के अच्छा, पता क्या होता है, एक अच्छा कमेंट्स भी आ जाता है ना, तो मेरी एनर्जी जो है ना 100 से 200 हो जाती है। तो लाजमी कमेंट्स किया करें और अपनी राय का लाजमी इजहार किया करें। तो सुबह सुबह का टाइम है, इससे पहले मैं किचन में आती हूँ, सारा किचन वगैरह साफ करती हूँ। ये मेरी डेली की रूटीन है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो रट गई होगी कि मैं सुबह सुबह किचन में आती हूँ, अपना सारा किचन वगैरह साफ़ करती हूँ, ताकि किचन साफ़ हो जाए नाश्ते के लिए। आज जो था ना, आज बच्चों की छुट्टी थी, लाहौर में आज छुट्टी है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में है कि नहीं, लाहौर में आज छुट्टी थी। तो दाता दरबार का उर्स था, उस वजह से आज लाहौर में छुट्टी थी। तो बस मैंने सोचा चलो आज इसी में बहाने जो है ना, मशीन कपड़े देखें बहुत ज़्यादा हुए थे, मैंने कहा चलो आज मशीन भी लगाती हूँ, कपड़े भी धो लेती हूँ, सारे काम फटाफट मैं करती हूँ। मैं किस तरह मल्टीटास्किंग करती हूँ इसी व्लॉग में आप लोग देख लीजिएगा। मैंने एक तरफ मशीन लगा लिया, एक तरफ मैंने किचन साफ़ कर लिया, साथ साथ हम कपड़े भी धुलेंगे, साथ साथ नाश्ता बनेगा, साथ साथ घर की सफाइयाँ होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें मेरी बहुत हेल्प कराते हैं, बड़े शौक़ से करवाते हैं वो। तो बस आज मशीन लगाई थी, तो लाजमी बेड शीट्स वगैरह सब चेंज होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी बेड शीट्स वगैरह चेंज की हैं, साथ उस तरह मशीन भी मैं चला आई हूँ, वहाँ पे भी कपड़े धुलने शुरू होने वाले हैं। और दूसरी तरफ जो है ना, मैं बेड शीट्स वगैरह चेंज कर रही हूँ। इंसान को जो है ना, मल्टी टास्कर होना चाहिए, ख़ासतौर पर एक हाउस वाइफ को तो बहुत ज़्यादा मल्टी टास्कर होना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा घर मैनेज करना है, मैंने वीडियो बनानी है, मैंने एडिट करनी है, मैंने वॉइस ओवर करना है, मैंने बच्चे देखने हैं, मैंने घर देखना है, मैंने अपना चैनल देखना है, ओ सारा कुछ मैंने अकेली ने करना है। अकेली जान क्या क्या करेगी यार। तो खैर, आज जो है ना, मैं आप लोगों से अपनी एनर्जी भी शेयर कर रही हूँ, और इसी तरह मैं अपने आप को ना बिज़ी भी रखती हूँ। जब इंसान सुस्त हो जाता है और अपना दिमाग छोड़ देता है ना, तो फिर इंसान बैठ के उल्टी अला बलाश लाश जो है ना, वो सोचने लग जाता है। तो बस इसलिए ना, अपने आप को बिज़ी रखा करें, काम करते रहा करें, करते रहा करें। और जब कभी थक जाएं, टूट जाएं, तो बस फिर अपने आप को अल्लाह की तरफ तवज्जा दें, नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें, बस अपना जहन जो है ना बिज़ी रखा करें। साथ साथ देखें जी, सफाई हो रही है, साथ साथ कपड़े भी धुल रहे हैं, कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों के, डेली के 2 सूट 3 सूट यूनिफॉर्म ये वो, तो कपड़े काफ़ी हो जाते हैं। पहले तो हफ्ते में एक बार मशीन लगती थी, अब 2 बार लगती है। लेकिन यार, मैं पूरी कोशिश करती हूँ हफ्ते में एक ही बार मशीन लगे। क्यों? एक तो बिल बड़े ज़्यादा आते हैं यार, कहाँ से इतना बिल देना है। तो बहुत बिल आया है, बहुत ज़्यादा, नेक्स्ट व्लॉग में वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप लोगों का कितना कितना बिल आया, किसको किसको कितने वाट का झटका लगा, अल्लाह माफ़ करे। तो बस आप लोगों ने ना मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है, ये भी बड़ी परेशानी होती है। और देखिए कैसी कड़ाके की धूप है, सितंबर आ गया यार, सर्दी आने का नाम नहीं ले रही, इतनी तेज़ धूप, इतनी गर्मी। और बस यहाँ मैंने कपड़े वगैरह साथ सारे धो लिए थे। अब मैं इतनी लंबी रूटीन नहीं आपको से कि आप लोग बोर हो जाए मेरे सारे कपड़े देखें, फटाफट जो है ना, कपड़े काफ़ी सारे थे मैंने सारे धो लिए। मशीन वगैरह को जो है ना, मैं वॉश करके अच्छे तरीके से रखती हूँ, क्योंकि एक जो होती है ना चीज़ जो मैं अच्छी खासी एक्सपेंसिव हो, उसकी केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है, तो इसलिए बार बार चीज़ नहीं बनती। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी केयर किया करें, यूज़ करके अच्छे तरीके से साफ़ करके रखा करें। गंदी रख देना, फिर जंग लगने लग जाते हैं, बहुत सारे मसले हो जाते हैं। बार बार इतनी महंगी चीज़ें नहीं बनती, इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ जब भी मैं कपड़े धोऊँ, मशीन को अच्छे तरीके से साफ़ करके मैं फिर रखती हूँ। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ मशीन भी मेरी साफ़ हो गई थी, अब मशीन जो है ना मैंने वापस अपनी जगह पर रख देनी है। साथ साथ देखें, मैंने सारे घर की बेड शीटें, हर चीज़ सफाई सफुई कर ली है, साथ साथ
मशीन में मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, मशीन भी धुल गई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मशीन को वापस रख रही हूँ। अब हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया था, वो बाकर खानी खानी थी उन्हें, क्योंकि उनकी तबीयत जो है ना उनको रोटी मना की हुई है, वो भी आप लोगों ने देख लिया कि चाय पहले ही बना ली थी इस वजह से, क्योंकि हस्बैंड ने बाकर खानी खानी थी, उनको चाय और बाकर खानी दे दी मैंने, तो उन्होंने नाश्ता कर लिया था क्योंकि उन्होंने फिर जाना था डॉक्टर के, उनको आज भी ट्रिप लगनी थी, तो उसके भी आप लोग लाजमी दुआ करें कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। बस यहाँ पे सारा किचन साफ सुथरा करके अपने बच्चों की बारी थी, उनको नाश्ता देना था, बच्चों को भी मैंने कहा आज थोड़ा सा सब्र कर लो ताकि मैंने ना सारा किचन साफ करके एक ही बार नाश्ता बनाऊँ, और बस यहाँ बच्चों को साथ साथ मैं नाश्ता दूँगी ताकि वो नाश्ता कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह आज छुट्टी थी बच्चों की, तो मैंने टाइम से ही उठ गई थी। बच्चों की जिस दिन छुट्टी होती है नहीं होती है तो बच्चे तो टाइम से उठ जाते हैं, उनकी रूटीन बनी होती है, तो माँ को भी साथ लाजमी उठना पड़ता है और जल्दी उठने का ही फायदा। अच्छा यहाँ पे ना लाइट गई हुई है, इस वजह से थोड़ी रोशनी कम नज़र आ रही होगी, UPS की सिर्फ एक लाइट चल रही है, जितनी गर्मी है उतनी लोड शेडिंग है, क्या कर सकते हैं। तो बस बच्चे यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, मैंने अभी अपना नाश्ता बनाना है, सबसे पहले इनको नाश्ता दे दिया। हस्बैंड चले गए थे डॉक्टर के पास क्योंकि वो उन्होंने जाना था ड्रिप लगवाने, कपड़े सब धुल गए हैं, अभी सिर्फ इनको लटकाना रह गया। मैंने कहा पहले बच्चों को दे लूँ, बच्चे जो है ना भूखे थे, मैंने कहा चलो इनको पहले नाश्ता दूँ। अगर आपने ज़िंदगी में परेशानियाँ तो ऐसे हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, अगर आपने ज़िंदगी में परेशानी से दूर रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, अपने आप को पुरसकून पीसफुल रखना है, तो आप सबसे एक काम करें, पहले तो अपने माइंड को बिज़ी रखें, फुल टाइम बिज़ी रखें, ठीक है। घर के कामों में कोई ऐसा काम, कोई स्किल, कोई हुनर जो आपको आता है उसमें बिज़ी रखें, नहीं अगर आपके पास कोई ऐसा चीज़ जहाँ भी आपको ज़रा भी टाइम फ्री मिलता है नमाज़ पढ़ें। नमाज़ तो बहुत ज़रूरी है, मैंने भी पहले नहीं पढ़ती थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश करती हूँ कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ। ये सच्ची ईमानदारी की बात है कि ना फजर की नमाज़ कभी कभी छूट जाती है, आँख नहीं खुलती, लेकिन बाकी नमाज़ें मैं पढ़ती हूँ। इंशाल्लाह आप सब भी दुआ करेंगे मैं भी फजर की नमाज़ की पाबंद हो जाऊँ। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है और अल्लाह ताला मेरे पे भी करम कर दे, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सब भी कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। जब आप अल्लाह ताला से लो लगा लेते हैं फिर आपकी हर मुश्किल परेशानी खुद ब खुद ठीक होती जाती है। तो बस यहाँ पे जो कपड़े लटकाने रह गए थे बाकी सारे काम हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बस कपड़े मैं लटका रही थी, क्योंकि पहले जो है हस्बैंड लटकाते थे तो खैर अब वो नहीं लटकाते, उनकी तबीयत काफ़ी महीना ऐसे ऊपर हो गया ख़राब है, तो वही अब मैं ही करती हूँ, मुझे तो लगता है नज़र लग गई है। तो खैर अब मेरा ना दिल उदास हो गया ये देख के ना, क्योंकि वही करते थे और काफ़ी लोग तारीफ़ भी करते थे आपके हस्बैंड बहुत हेल्प कराते हैं, लेकिन अब उनकी तबीयत ही नहीं सही होती तो कहाँ हेल्प कराएँगे, और ना मैं उनको कभी कहती हूँ। तो आप सब ने लाजम दुआ करनी है, हाय बस फिर दिल उदास हो जाता है सोचती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को मजबूत रखना है अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। पूरा तकरीबन 1.5 महीना हो गया है मेरे घर में काफ़ी प्रॉब्लम, बीमारी है, हर चीज़ चल रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को एक पाँव पे खड़ा रखा है, बच्चों को देखा है, हस्बैंड को देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे इसी तरह साबित कदम रखे और हमारे घर की परेशानियाँ ख़त्म हों, मुश्किलें ख़त्म हों। आप सब भी दुआ करें और मैं इसी तरह अपने घर को, अपने शोहर को, अपने बच्चों को इकट्ठा करके हर चीज़ का ख्याल करके चलती रहूं। तो बस यहाँ पे जी मेरी डेली की रूटीन है, डस्टिंग में लाजमी करती हूँ, थोड़ी बहुत कभी हफ्ते में जाना एक दिन में डीप क्लिनिंग डस्टिंग कर लेती हूँ, लेकिन बस जो है ना नॉर्मल जो हल्की हल्की डस्टिंग होती है वो लाजमी करती हूँ, क्योंकि मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं आजकल, जाले बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। सारा घर साफ़ कर लिया, कपड़े लटका लिए, चमचमाचम कर लिया घर को भी, और अब इसके बाद जो है ना ये है किचन की बारी, अब सारा नाश्ता वगैरह था फिर किचन अब दोबारा साफ़ होता है। तो बस यहाँ पे मैं किचन वगैरह साफ़ करूँगी, नाश्ते के बर्तन धो रही हूँ। ये मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया, अगर ज़रा सा भी क्लिप पसंद आया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।